Morning students, and we are continuing our chapter, that is banking. Here we are talking about money control or credit control by RBI. If you have seen the functions of RBI, you have seen that the very last function of RBI was money and credit control. Money control bole, credit control bole, money creation bole, credit creation bole baat dekhi hogi. Now let me tell you one thing. Due to COVID-19, this topic is completely out of your course. But why? We are talking about this because maybe from this chapter it is deducted, but it is going to reappear into AD section, into shortened premium output and excess and deficient demand. तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा. भले ही इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगले चैप्टर्स जो हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए हमें इसको पढ़ना ही पड़ेगा. So we are talking about that. So, देखिएगा क्रेडिट कंट्रोल के लिए आरबीआई के पास जो टूल्स होते हैं उनको दो मेजर पार्ट्स में बांटा जा सकता है. एक है क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरा है क्वालिटेटिव टूल. क्वांटिटेटिव टूल जो होते हैं वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी और क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं. टोटल अमाउंट ऑफ मनी एंड क्रेडिट क्रिएटेड बाय आरबीआई, इसको कंट्रोल करने के लिए होता है आरबीआई के पास क्वांटिटेटिव टूल्स. इसमें पांच मेजर थिंग्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है. जबकि क्वालिटेटिव टूल्स जो होते हैं दे डिसाइड द डायरेक्शन और ओवरऑल फ्लो ऑफ मनी और क्रेडिट into different sectors of economy. समझिएगा, यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, quantitative tools के सहारे तो हम क्या कर रहे हैं, total amount of money or credit create को control कर रहे हैं. जबकि qualitative tools में हम उसकी direction को different sectors के अंदर जो economy में वो घूमेगा उसको हम control कर रहे हैं. Okay, we are starting with quantitative tools. क्वांटिटेटिव टूल्स में हमारे पास है बैंक रिटर्न रेपो रेट, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर और एसएलआर. अब देखिएगा ये जो दो रेट्स होती हैं इनको टू पॉलिसी रेट्स माना जाता है, टू मेजर पॉलिसी रेट्स माना जाता है. जबकि ये जो दोनों होते हैं इनको टू पॉलिसी रेशियोज माना जाता है, टू पॉलिसी रेशियोज माना जाता है. So now we are discussing all of them one by one. Let's hit what exactly they are. So very first option is bank rate. अब आपकी बुक में जो है बेटा बैंक रेट और रेपो रेट को अलग अलग करके समझाया हुआ है. पिछले कोर्स तक में बैंक रेट और रेपो रेट को मर्ज करके पढ़ाया जाता था. दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रहेगा. बैंक रेट और रेपो रेट में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, बाकी मीनिंग लगभग सेम होता है. बैंक रेट वो रेट होती है एट विच बैंक रेट एंड रेपो रेट आर बोथ दैट रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू ए कमर्शियल बैंक. आरबीआई गिव्स ए लोन टू ए कमर्शियल बैंक, सबसे पहली बात आगे ध्यान दीजिए ना. दूसरा, कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन देगा उसको बैंक रेट या रेपो रेट कहा जाएगा. नंबर टू, दिस बैंक रेट और रेपो रेट डायरेक्टली अफेक्ट्स द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट होती है जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक्स ऑफर्स लोन टू ए कंज्यूमर. बैंक रेट तो वो रेट है जिसके ऊपर आरबीआई गिव्स लोन टू ए कमर्शियल बैंक, एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट है जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक ऑफर्स लोन टू ए कंज्यूमर या कॉमन पर्सन. अब देखिएगा जैसे ही बैंक रेट या रेपो रेट इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा.
यानी लोन टू कॉमन पब्लिक, लोन टू कॉमन पब्लिक बिकम्स एक्सपेंसिव, बिकम्स एक्सपेंसिव, और इसकी वजह से लोन डिमांड बाय कंज्यूमर्स, लोन डिमांड बाय कॉमन पर्सन या कंज्यूमर फॉल्स डाउन एंड अल्टीमेटली सॉल्व्स इन्फ्लेशन, अल्टीमेटली इट सॉल्व्स इन्फ्लेशन। एक यहां पर मैं बेटा थोड़ा सा ब्रेक लेके यहां पर आपको थोड़ा सा एक टॉपिक समझाना चाह रहा हूं कि आपके जितने भी हमें सप्लाई के टूल्स हैं वो आगे जाके दो जगह पे काम में आएंगे, या तो इन्फ्लेशन के अंदर या डिफ्लेशन के अंदर। अब देखिएगा इन्फ्लेशन का केस क्या होता है, इन्फ्लेशन का केस होता है प्राइस राइज का केस, जबकि डिफ्लेशन का केस होता है प्राइस फॉल का केस। ओके, प्राइस राइज हम कब मानते बेटा, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। हम डिमांड एंड सप्लाई में जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होता है तो प्राइस राइज होता है, जबकि डिफ्लेशन के केस में प्राइस फॉल हो रहा है इसका मतलब डिमांड और सप्लाई में सप्लाई हो रहा है। अब ये तो हुआ डिमांड और सप्लाई का टॉपिक, लेकिन अगर हम इसको मनी सप्लाई से कंट्रोल करके, मनी सप्लाई से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा पर्सन तभी डिमांड करने जाएगा जब जेब में पैसा होगा। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो ऑब्वियस आप डिमांड करने नहीं जाओगे। इसका मतलब कि इन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई जो होती है वो इंक्रीज हो चुकी होती है, इंक्रीज मनी सप्लाई होती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा पहुंच चुका होता है, लोगों के जेब में पैसा होता है, लोगों के पास कैश इन एंड कैश बैंक होता है, तो इंक्रीज मनी सप्लाई इन्फ्लेशन का एक मेजर रीजन है। जबकि डिफ्लेशन के केस में लोगों के पास पैसा नहीं होता है, इसी वजह से वो डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, दोनों केसेस उल्टे चल रहे हैं बेटा। तो इसके हिसाब से इसका मेन, ये दोनों इसके मेन कॉजेज हैं, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई एंड मनी सप्लाई की तरफ से इंक्रीज मनी सप्लाई। तो इसका जब क्योर करेंगे हम, रेमेडी करेंगे, तो हमें मनी सप्लाई को क्या करना चाहिए, इधर रिड्यूस करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। जबकि डिफ्लेशन के केस में मनी सप्लाई ऑलरेडी डिक्रीज है, तो उस समय हमें मनी सप्लाई को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया आरआर के इंक्रीज होने की वजह से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि लोन टू द कमर्शियल बैंक जो मिला था वो महंगी रेट पे मिला था, तो ऑब्वियस है वो कस्टमर को भी महंगी रेट पे लोन देंगे, यानी लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ के आएगा। तो ऑब्वियस है कि जरूरी नहीं कि सारे कस्टमर इस महंगे लोन को लेने जाएंगे, वही कस्टमर लेने जाएंगे जिनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है या जो डियर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में लोन डिमांड बाय द कॉमन पर्सन फॉल्स डाउन, और इसका मतलब मनी सप्लाई क्या हो रहा है, ये मनी सप्लाई बेटा गिर गया, मनी सप्लाई गिर गया, और मनी सप्लाई कहां गिराना होता है, इन्फ्लेशन को सॉल्व करने के लिए, तो इससे इन्फ्लेशन सॉल्व होगा। सेम वे अगर बैंक रेट आर आर फॉल हो जाएगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फॉल होगा, यानी लोन टू द कंज्यूमर बिकम्स चीप, लोगों को लोन्स कम रेट पे मिल रहे हैं। अब सोचिए मार्केट में इंटरेस्ट रेट, लोन की इंटरेस्ट रेट गिर गई तो ऑब्वियस है कि लोग लोन लेना पसंद करेंगे, लोन की डिमांड बढ़ जाती है, यानी मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ने लगेगी, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो ये तब यूज करना चाहिए जब डिफ्लेशन का केस चल रहा होगा। तो मार्केट में ध्यान रखिएगा इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन का केस चल रहा होता है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए बैंक रेट या आरआर को बढ़ाया जाता है ताकि मनी सप्लाई कम हो और इन्फ्लेशन सॉल्व हो जाए। ऐसे अगर डिफ्लेशन का केस चल रहा है तो डिफ्लेशन के टाइम पे बैंक रेट या रेपो रेट को गिराया जाता है। गिराने का काम किसका होता है, ये बैंक रेट या रेपो रेट आरबीआई डिसाइड करता है, तो वो डिसाइड करता है कि बैंक रेट या रेपो रेट को गिराओ, जिससे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा और लोन डिमांड इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, और मनी सप्लाई के इंक्रीज होते ही डिफ्लेशन केस सॉल्व होगा। ओके, तो ये हो गया बैंक रेट और रेपो रेट। रेपो रेट का बेटा आपकी बुक में थोड़ा सा अलग डिस्क्रिप्शन दे रखा है, बट वो इतना डिटेल आपको नहीं जानने की जरूरत है, आप सीधे इस थ्योरी से ही बैंक रेट और रेपो रेट को कॉमन वे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों को इसी तरीके से डील किया जा सकता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये आंसर भी करेक्ट है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन।
इसके बाद बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड थिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिएगा, इफ यू रिमेंबर, हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई का रोल गवर्नमेंट के लिए एक एजेंट के तौर पे भी है। एज एन एजेंट आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल भी कर सकता है और मार्केट में से वापस बाय भी कर सकता है। यानी आरबीआई के पास ये पावर है गवर्नमेंट के लिए भी कि आरबीआई कैन सेल एंड परचेज गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। इसके लिए बताएगा, न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आता है और आप चाहे इस नोटिफिकेशन को पढ़ के अगर आपको लगता है कि इंटरेस्टेड हैं आप, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप खरीद सकते हैं, और अगर पहले से हैं तो वापस आरबीआई को सेल भी कर सकते हैं। तो देखिएगा दो बातें, देखिएगा, मान लीजिए इन्फ्लेशन केस चल रहा है, हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन केस चल रहा है, इसका मतलब मनी सप्लाई क्या है, इंक्रीज्ड है, और हमें इसको सॉल्व करने के लिए, क्योर करने के लिए मनी सप्लाई को घटाना है, तो ऐसे टाइम पे आरबीआई सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कॉमन पब्लिक। देखिएगा, इसमें कॉमन पब्लिक में आप और मैं जैसे कॉमन पर्सन भी आ जाते हैं, इसमें कंपनीज भी आ जाती हैं, इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, बैंक्स भी आ जाते हैं। तो देखिए, इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन का रीजन मनी सप्लाई की तरफ से होता है कि इंक्रीज मनी सप्लाई है, और इसका क्या होता है कि मनी सप्लाई को हमें क्या करना है, गिराना है। तो मनी सप्लाई गिरानी है, आरबीआई क्या करेगा, सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉमन पब्लिक। समझिए कैसे, देखिएगा, कॉमन पब्लिक के पास पहले मनी था और आरबीआई के पास सिक्योरिटीज थी। अब सिक्योरिटीज आरबीआई ने कॉमन पब्लिक को बेच दी और कॉमन पर्सन का मनी आरबीआई के पास पहुंच गया। अब सेलिंग के बाद सिक्योरिटीज किसके पास आ गई, कॉमन पब्लिक के पास, और कॉमन पब्लिक का मनी किसके पास चला गया, आरबीआई के पास चला गया। और देखिए, कॉमन पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास पहुंच गया, यानी पब्लिक का पैसा, पब्लिक के हाथ से पैसा आरबीआई की तरफ चला गया, पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं था। सोचिए, मनी सप्लाई फॉल हो गई, और मनी सप्लाई फॉल होते ही बेटा आपका इन्फ्लेशन मनी सप्लाई की तरफ से सॉल्व हो जाए, जो हमने डिस्कस किया था यहां। मान लीजिए डिफ्लेशन का केस चल रहा है, डिफ्लेशन को अगर हम बेटा मनी सप्लाई की तरफ से पढ़ें, तो मनी सप्लाई गिरी हुई है, ऑलरेडी मनी सप्लाई गिरी हुई है, इसके क्योर के तौर पे मनी सप्लाई को हमें बढ़ाना है। ऐसे टाइम पे आरबीआई परचेजेस और रीपरचेजेस सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आरबीआई क्या सेल और परचेज गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज।